जस्ट अ मॉर्निंग फिजिक अपडेट। ओवरऑल 8 वीक्स में हमने 2.5 kg वेट गेन करा है, विच इज़ गुड साइन ऑफ लीन बल्किंग एंड आई एम प्रिटी मच हैप्पी। एंड पता नहीं मैं नींद में था तो क्या कर रहा था। सो एज़ यू ऑल नो कि मैं अभी एक लीन बल्किंग पे हूँ। सो लीन बल्किंग का मेरा अभी जो सेकेंड फेज है वो आ चुका है और अराउंड मैं अभी 3000 के करीब कैलरीज कंज्यूम कर रहा हूँ। अभी थोड़ी सी कैलरीज मैंने अप करी हैं, वो कैलरीज मैंने थोड़ी काप से और थोड़ी सी मतलब जैसे 80% काप से करी है और 20% सिर्फ प्रोटीन से करी है। तो अराउंड 3000 कैलरीज से हूँ मैं, 3050 ऐसी अराउंड कैलरीज पे हूँ। तो वो कैलरीज मैंने कैसे इंक्रीज करी हैं और क्यों करी हैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, इसलिए क्योंकि इसके बाद मैं आई थिंक फिर से 200 कैलरीज अप करूँगा और देखूँगा, अपनी बॉडी को मॉनिटर करूँगा कि मेरी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स करती है और फिर देखेंगे फिर क्या रिस्पॉन्स होता बॉडी का, फिर उसके हिसाब से काम करेंगे। तो आज की फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो में हम कोई भी एग्स वैक्स यूज़ करने नहीं वाले, क्योंकि अब नवरात्रे आ गए हैं तो नवरात्रे में तो भाई एग्स वैक्स मतलब भूल ही जाओ, ये पूरे 18 दिन और मंगलवार तो मतलब ये एग्स भूल ही जाओ। बट उसके बाद भी हम अपना जो प्रोटीन गोल है दिन का 200 ग्राम वो कैसे हिट करेंगे, वो उसके लिए मैंने एक रिप्लेसमेंट एग्स का सोचा है। वो रिप्लेसमेंट भी बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी कहीं भी कुछ भी ऐसा थोड़ा अपना रॉकेट साइंस वाला दिमाग नहीं लगाना, नॉर्मल सा है। सो चलो अपनी फर्स्ट मील बनाते हैं। सो इज़ द टाइम फॉर फर्स्ट मील ऑफ द डे। यहाँ पर है हमारे पास ओट्स एज द यूनिवर्सल, जो मेरी हर ब्रेकफास्ट मील में रहता है, और उसके साथ साथ मैंने जो एग्स खा रहा था उसको रिप्लेस कर दिया मैंने पनीर से। पनीर 150 ग्राम मैंने पनीर ऐड कर दिया अभी, जब तक मतलब नवरात्रि चलेंगे जब तक एग्स नहीं खा सकता। तो यही चीज मैं बोला था रिप्लेसमेंट कर लिए। इसके साथ साथ आप देखना ओवरऑल जो हमारा प्रोटीन इनटेक है दिन भर का, वो भी हम पूरा गोल हिट करेंगे। और अगर आपने अभी तक ओट्स की रेसिपी मतलब ओट्स कैसे बनाना है वाली रेसिपी नहीं देखी तो मैं इसके पहले वाली वीडियो देख लो, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और आई बटन पे यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ पर आता है वहाँ पर उसका लिंक पेस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ जाके भी उसको देख सकते हो। सो मेक श्योर इसको चेक करना। इसमें अराउंड 1000+ कैलरीज होंगी। सो ये मील एकदम मेरी हैवी वाली रहती है क्योंकि इसके बाद अराउंड 2 से 3 घंटे मैं ऑफिस का वर्क करता हूँ और जो हमारी सेकेंड मील रहती है वो 1-1.5 बजे के बीच में रहती है, तो कोई भी भूख ना लगे, कोई भी कुछ ना हो, इसलिए ये पूरी ऐसा कंप्लीट मील है। इसमें कार्ब प्रोटीन सब कुछ मिल जाता है और फैट्स भी मिल जाते हैं। फैट्स के लिए मैंने पनीर से फैट्स मिल जाएगा और पीनट्स भी थोड़े से डाले हैं इसमें। इसकी कंप्लीट वीडियो डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर डाल दूंगा, तो वहाँ जाके देखो। और अब इसको खाते हैं और फिर ऑफिस का वर्क स्टार्ट करते हैं। सो नाउ टाइम फॉर लंच। लंच भी हमारा फुल बेसिक है। लंच में हमारे पास सबसे सिंपल वाइट राइस है 200 ग्राम और 200 ग्राम्स हमने उसमें दाल मिक्स करी, जो भी आपके घर में दाल हो, और उसके बाद 100 ग्राम सोया चंक्स। सोया के बिना तो भाई मेरे को असल का सबसे ज़्यादा सोया मैं ही खाता हूँ मैं प्रोटीन के लिए। 100 ग्राम सोया है अभी यहाँ पर, 100 ग्राम नहीं क्योंकि एक बार में नहीं खाता उसको, मैं 2 बार डिवाइड करता हूँ। तो अब रात को खाऊंगा तो थोड़ी सी और बची रहेगी उसको खा लूंगा, या दिन के बीच में कभी भी। अब तो इसमें अभी 50-60 ग्राम होगी सोया चंक्स, और उसके साथ है हमारे पास यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं एप्पल, कोई भी फ्रूट हो वो भी आप ऐड कर सकते हो। और आज हमारे पास वॉलनट्स फाइनली आ गए, तो ये हो गया वॉलनट्स, 2 वॉलनट डालें। और ये आज नवरात्र हैं तो ये थोड़ा सा घर का मतलब घर में मम्मी ने पूजा करी थी तो उसका प्रसाद, इसमें थोड़े से मखाने वखाने किशमिश में थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालें तो वो अपन थोड़ा सा खा लेंगे। हाँ, तो अब इसको मील को ये बिल्कुल सिंपल है। देखो इसके पहले भी मैंने जब खा रहा था मैं तब भी सेम बिल्कुल सेम थी, बिल्कुल सेम चीज़ थी, थोड़ा सा बस ऐड करा है। उस टाइम यहाँ पर मूंगफली थी तो अभी मैंने वॉलनट ऐड करा है, वॉलनट आ गए इसलिए
थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेता हूँ, बाकी सब कुछ स्वयं है। और अब बल्किंग में मेरे को मज़ा आ रहा है, कटिंग में भी मज़ा आ रहा है, नो डाउट, बट बल्किंग में मैं ज़्यादा खा रहा हूँ, उसके साथ साथ बिल्कुल लीन हूँ, एक्सेस फैट बिल्कुल भी नहीं आ रहा, मुख तो नहीं आ रहा क्योंकि डाइट से बिल्कुल स्ट्रिक्ट हूँ, डाइट का कोई कंप्रोमाइज नहीं है, स्लीप एकदम बिल्कुल पूरा मार्क है, और वर्कआउट में भी बिल्कुल जैसा सोचा बिल्कुल वैसा जा रहा है। तो अगर आप मतलब थोड़ा सा कहीं अगर लैग कर रहे हो ना, तो इन चीज़ों को अगर सबसे बेस्ट कर लोगे तो सारी चीज़ एकदम टू द पॉइंट हो जाएंगी, और कोई भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और रही बात एप्स की, तो एप्स भी आपके हमेशा रहेंगे अगर आप इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल स्टिक कर लेते हो, डाइट हो गई, स्लीप और वर्कआउट, बस इसके अलावा कोई चीज़ होती नहीं है। तो ये तो तुम्हारे भाई ने ज्ञान पेल दिया, लेकिन ज्ञान इसलिए पहला कि एग्जैक्टली एक साल पहले, मार्च चल रहा है अभी, एग्जैक्टली एक साल पहले की फोटो डालूंगा मेरी फिजिक क्या थी और एग्जैक्टली एक साल बाद क्या हो गई। तो वही है, जो खा रहे हो उस पर स्टिक रहो, ये मैटर नहीं करता कि तुम कट कर रहे हो या बल्क कर रहे हो, बट हाँ कल कट कर रहे हो तो थोड़ा सा कम कर दो, बल्क कर रहे हो थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, बट जो चीज़ खा रहे हो उस पर स्टिक रहो, चेंजेस मत करो, चेंजेस एकदम से ऐसे मत करो कि जिससे आपकी बॉडी को आदत ना हो, और फिर आदत नहीं होगी तो वो एक्सेस फैट पकड़ लेगी, ये पकड़ लेगी। और बेसिक खाना है यार, बेसिक खाने से कौन बोलता है बेसिक खाने से बॉडी नहीं बनती, ट्रस्ट करो खुद पे और अपनी जर्नी पे। नाउ इट्स टाइम टू थर्ड मील ऑफ द डे, ये मेरी प्री वर्कआउट मील भी रहती है, इसको खाने के बाद मैं 1.5 से 2 घंटे बाद जिम जाता हूँ। और देखते हैं, ये शायद दूध थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया था, फिर मैंने थोड़ा सा इसको कम करूँगा मैं, भाई बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये देखो फिर कम करा मैंने, फिर अब शायद पूरा होता है, ये अभी भी नहीं हुआ पूरा। अब इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगा मैं, 300 ml, ओके हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो गया अभी, हाँ हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम 100 ग्राम ओट्स लेंगे। यहाँ पर देखो जो मैं बता रहा था, मैंने काप से कैलोरीज इंक्रीज़ करी हैं, वो यही करी हैं, पहले 80 ग्राम्स में ओट्स ले रहा था, बट इसको अब 20 ग्राम्स और प्लस कर दिया, तो ये हो गया 100 ग्राम्स। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी फ्लैक्स सीड 10 ग्राम, और लास्ट में थोड़ा सा सिनेमन 5 ग्राम, फिर बनने रख देंगे। ये देखो कुछ इस टाइप की बनती है, कितनी टेक्सचर देख रहे हो, टेक्सचर देखो भाई, टेक्सचर। और एक और चीज़ तो मैं भूल ही गया भाई, इसके बिना तो मज़ा नहीं आता, एक बनाना, इसको पूरा काट के अच्छे से डालेंगे, और ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट हमारा। फाइनल प्रोडक्ट देख रहे हो ऐसा दिखता है। इसके बाद थोड़ा सा ऑफिस का काम करते हैं, थोड़ा ऑफिस का मीटिंग थी, ऑफिस की मीटिंग चल रही थी, मैंने सोचा ये वीडियो में ऐसा कुछ सच कुछ बताने के लिए कुछ है नहीं है, जो मेरी फर्स्ट वर्क जो मॉर्निंग मील रहती है वही रहती है बस, इसमें थोड़ा सा मैंने अभी ओट्स ऐड करे हैं, तो अब थोड़ा सा ऑफिस का काम कर लेते हैं। और आप ये वीडियो को देखो और बताओ कौन सी आपको कौन सी क्या अच्छी लगी है। फाइनल लास्ट मील ऑफ द डे, तो डिनर में है अपने पास बेसिक, जो चीज़ बता रहा था कि मैंने काप से थोड़ी सी काप थोड़े से बढ़ा दिए हैं, वो ऐसा बढ़ाई नहीं थी मैंने, जो इसका एक महीने पहले 200 ग्राम काप से ले रहा था, 200 ग्राम वाइट राइस सॉरी, तो अब उसको 300 ग्राम कर दिया, थोड़े से काप से कैलरीज इंक्रीज करिए एक महीने तक, अब मैं बॉडी को मॉनिटर करूँगा क्या होता है, और फिर जैसा भी रिजल्ट होगा तो फिर धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, लीन गेन करेंगे, लेकिन वो चबी वाला कोई सिस्टम नहीं है। और बिफोर बेड एक और चीज़, ये थोड़े से पीनट्स ऐड करें, ये सोने से पहले मैं खा लूँगा, तो अभी निकाल के रख लिया, अब ये वीडियो बनाने के बाद खाना खाने का सोना ही है। और यहाँ पर हो गया 120 ग्राम कट कोई सा भी ले सकते हो घर में, जो बनाए घर में मम्मी ने बना दी बॉल ले लिया। और यहाँ पर वेजेस हो गई, वेजेस भी कोई सी भी घर में जो भी हो उसको बॉइल कर लो, एक सीटी डाली और खा लिया, बट ये कि इसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा, तो अगर आप टेस्ट नहीं आएगा, बट ये बहुत बेनिफिशियल है, इसके बाद में आप बेनिफिट देखेंगे जब आपको समझ में आएगा।
बाकी ये बहुत मतलब सिंपल है। और फॉर रिकवरी के लिए एज यू गाइस ऑल नो कि मैं अभी वीगन प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके चार फ्लेवर है। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है वैन वनीला कपकेक, और इसमें चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और कैरमल कॉफ़ी, ऐसे क्योंकि चार इसके फेवरेट हैं। सो मेक श्योर अगर आप इसको बाय करोगे तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कोड मैं डाल दूंगा, उसको यूज़ करना ना भूलना, एफ और उसके बाद एफ एफ उसके बाद क्या था भूल गया मैं, एफ अप निक्स NIKS पूरा कैपिटल में और 10, तो उसको उसको यूज़ करना तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और एक और चीज़, ओवरऑल हमने दिन भर में 3000 कैलोरीज कंज्यूम करी होंगी, जो भी इसके माइक्रो मैक्रोस होंगे वो आपके स्क्रीन पे डाल दूंगा मैं, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग उसको कॉपी करो, पेस्ट करो। और इसके साथ साथ एक और चीज़ और, अगर आप जैसे कि आपको राइस पसंद नहीं है तो आप राइस की जगह दो रोटी जो भी वो अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं रोटी की जगह राइस करता हूँ प्रेफर, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जब मैं रोटी खाता हूँ तो मेरी बॉडी फैट पकड़ती है, इसलिए आपको रोटी अच्छी लगती है तो आप रोटी भी ऐड कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल सिंपल रखो, जितना सिंपल रखोगे चीज़ों को उतना ज़्यादा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, अपनी जो भी डाइट है उस पर ध्यान दो, और अपनी जो भी स्लीप है, ये बेसिक तीन चीज़ें हैं, उस पर अगर आप ध्यान देने लग गए तो सारी चीज़ अपने आप ईजी हो जाएंगी। बस भूख लगी और उसको खा लेते हैं। एक और बात, और अगर ऐसी और फुल डेज ऑफ ईटिंग बनानी है वीडियो तो मेरे को बता देना, कि वेट लॉस की भी बनानी है या लीन मसल मास के लिए भी बनानी है, तो मैं फुल डे ऑफ ईटिंग की वीडियो और बना लेंगे। फुल डे ऑफ ईटिंग की वीडियो आई थिंक लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट होता है, तो आप मैं कमेंट करके बताना, और कमेंट में बताना आपकी कौन सी फेवरेट मील है और आप कौन सी मील कॉपी करने वाले हो। और तो फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर भी अगर आप कोई भी मील बनाते हो इंस्टाग्राम पर टैग करना मत भूलना। इंस्टाग्राम पर मैं तो एक्टिव रहता हूँ, चला रहता हूँ, ऑफिस के बाद जो भी टाइम मिलता है। तो अब इस मिल को खाते हैं और इस वीडियो को एडिट करते हैं, देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देन बाय, टेक केयर, पीस।